हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम विसर्ग संधि के अंतिम भेद लुप्त विसर्ग संधि का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस संधि का पहला नियम है आतोऽसि विसर्गस्य लोपः, अर्थात आ स्वर हो कहाँ हो, विसर्ग से पूर्व, मतलब जब विसर्ग से पूर्व आ स्वर हो और विसर्ग के सामने असी, असी मतलब अस प्रत्याहार के वर्ण होने पर, और अस प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं, कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण एवं है ये व रे और ले, इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। संक्षेप में हम यूं कह सकते हैं कि विसर्ग के ठीक पहले तो आ स्वर होना चाहिए और विसर्ग के ठीक सामने कोई भी स्वर हो सकता है, स्वर के अलावा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और है ये व रे और ल, इनमें से कोई एक व्यंजन वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप होने से तात्पर्य है कि जो विसर्ग है ये यहाँ से हट जाएगी। देखिए कैसे, इस विसर्ग के ठीक पूर्व आ स्वर आ रहा है, ठीक सामने ये है, तो ये विसर्ग हट जाएगी और रूप बन जाएगा छात्रा यान्ति। ठीक ऐसे ही विसर्ग से ठीक पहले आ स्वर है और ठीक सामने वर्ग का पांचवा वर्ण है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, रूप बन जाएगा जनाः नमन्ति, मतलब कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, सिर्फ क्या है कि विसर्ग को हटाना है। और विसर्ग कब हटेगी, जब पहले आ स्वर हो और ठीक सामने तीसरे चौथे पांचवें वर्ण में से कोई एक वर्ण या फिर है ये व रे और ले, इन व्यंजन वर्णों में से कोई एक हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो आप अभ्यास के रूप में संधि करते समय ये दिए गए उदाहरणों में इन विसर्गों को हटाकर जो भी रूप बनता है यहाँ बनाकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करोगे। इसी संधि का अगला नियम है, दूसरा नियम है, देखिए दूसरे नियम की तरफ चलने से पहले मैं आप सबसे इस टॉपिक को लेकर कुछ कहना चाहूँगा कि संधियों में विसर्ग के स्थान पर कुछ परिवर्तन तो होते हैं वर्ण विशेष की स्थिति के कारण, और कुछ परिवर्तन होते हैं शब्द विशेष की स्थिति के कारण। अब वर्ण विशेष और शब्द विशेष क्या है, आपने सत्व संधि के पहले नियम में पढ़ा, मतलब विसर्ग संधि का जो पहला भेद है ना सत्व संधि, उसमें आपने पढ़ा कि सामने वर्ग के पहले दूसरे वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, और स कौन सा होगा, क्योंकि स कितने होते हैं, तीन होते हैं, दंते तालव्य और मूर्धने, तो तीनों स में से कौन सा स होगा वो सामने उपस्थित वर्ण पर डिपेंड करता है। तो कुछ परिवर्तन तो होते हैं वर्ण विशेष की स्थिति के कारण और कुछ परिवर्तन होते हैं शब्द विशेष के कारण। जैसे इसी उदाहरण को, इसी नियम को हम देखें तो इसके पहले जो नियम पढ़ा उसमें कहा कि विसर्ग के पहले आ स्वर होना चाहिए और विसर्ग के ठीक सामने कोई भी स्वर या फिर वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण है ये व रे और ले हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अब यहाँ दिए गए उदाहरणों में देखोगे आप कि यहाँ विसर्ग से पहले आ नहीं है, ए है। पहले नियम में कहा कि आ होगा विसर्ग के पहले और ठीक सामने कोई स्वर या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर है ये व रे ले हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन ये है कि इधर विसर्ग से पहले ए आ रहा है और फिर भी विसर्ग का लोप हो रहा है, लेकिन
ध्यान देने लायक बात यह है कि ये अ किस शब्द में है, तो एष है एवं स है। एष है एतत शब्द का परिवर्तित रूप है और स है तत शब्द का रूप है। तो जब एष है एवं स है इन दोनों पदों के विसर्ग के सामने ए एवं वर्ग के पहले दूसरे वर्णों को छोड़कर, यहां तक की परिभाषा में आपने पीछे के नियम में और इस नियम में क्या अंतर है नोटिस किया होगा। पीछे की परिभाषा में ये कह रहा था कि सामने कोई भी स्वर हो सकता है, मतलब इसके पहले नियम में इसने कहा कि सामने कोई भी स्वर हो सकता है, लेकिन इस नियम में कह रहा है कि सामने ए एवं वर्ग के पहले दूसरे वर्णों को छोड़कर। तो पहले दूसरे वर्ण तो पहले नियम में भी सम्मिलित नहीं थे, तो फिर इस नियम में अलग क्या है? इस नियम में अलग ये है ए, इसने कहा कि सामने जो है ना इसके ए भी नहीं होना चाहिए और वर्ग का पहला दूसरा वर्ण नहीं होना चाहिए। इनके अलावा कोई भी स्वर या व्यंजन हो, किन के अलावा? ए और वर्ग के पहले दूसरे वर्णों के अलावा कोई भी स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। एष है एवं स है, एष है एवं स, ये विसर्ग जिनके साथ लगी हुई है ना, वो शब्द या तो एष है मतलब एतत शब्द के रूप है या फिर तत् शब्द का रूप है। तो ऐसी परिस्थिति में इनके ठीक सामने ऐश्वर्य नहीं होना चाहिए, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण भी नहीं होना चाहिए। हम इसको यूं भी लिख सकते थे कि ए को छोड़कर, मतलब सामने ए नहीं हो और वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो, तो बात तो अभी भी वही है। इसने कहा कि ए नहीं हो और वर्ग के पहले दूसरे वर्ण भी नहीं हो, तो पहले दूसरे वर्ण नहीं हो तो फिर क्या हो? तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो क्या परिवर्तन, क्या रूप बन जाएगा? एष है, विषय दिख रही है, इस विसर्ग को हमें हटाना है और जो सामने का रूप है ना इच्छति, ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक उदाहरण में विसर्ग हटती चली जाएगी। सह विसर्ग को हटा दो और फिर आगच्छति, ठीक ऐसे ही चलते जाओ। अब अगर इस उदाहरण पे आप ध्यान दोगे और आपने प्रत्येक कक्षा को ध्यान देकर अटेंड किया है, पढ़ा है, दिए गए उदाहरणों पे अभ्यास किया है, तो आपके दिमाग में एक बात जरूर आएगी कि यहाँ विसर्ग के सामने से आ रहा है और सत्व संधि में भी विसर्ग के सामने से आता था, तो उस परिस्थिति में विसर्ग के स्थान पर या तो विसर्ग या सत्व विकल्प से होता था, मतलब विसर्ग के स्थान पर भी वही से होता है जो सामने से आ रहा हो, ऐसा नियम था। कौन सी संधि में? सत्व संधि में। अब यहां पर भी विसर्ग के ठीक सामने से आ रहा है, तो इन दोनों में जो अंतर है ना, इसको आप भली भांति अभी समझ लो ताकि दोनों जगह किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न हो। ये जो विसर्ग है ना, ये सह शब्द के साथ लगी हुई है। किसके साथ लगी हुई है? सह के साथ। और ठीक सामने सह ही क्यों ना हो, विसर्ग का तो यहां क्या होगा? लोप ही होगा। तो रूप क्या बन जाएगा? सह संभू। ठीक इसी तरह इन उदाहरणों में अभ्यास करके आप इनका जो रूप बनता है उसको अपनी नोटबुक में नोट करोगे। तो मैं एक बार इस नियम में और पीछे के नियम में जो अंतर है फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस संधि के पहले नियम में आपने पढ़ा कि विसर्ग के ठीक पहले आ स्वर होना चाहिए और विसर्ग के ठीक सामने कोई भी स्वर हो सकता है और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। दूसरे नियम में इसने कहा कि विसर्ग के पहले ए भी हो सकता है, लेकिन वो ए किसका होगा? एष है एवं सह शब्द होगा, मतलब एष है एवं सह इन दोनों पदों के विसर्ग के सामने ए और वर्ग के पहले दूसरे वर्णों को छोड़कर कोई भी स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अब चलिए इसी के अगले नियम की तरफ चलते हैं। अब है अगला नियम,
रो री, अर्थात जब विसर्ग के सामने र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग का लोप होने पर पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाता है। पीछे के नियम में भी विसर्ग का लोप ही हो रहा था, लेकिन इस नियम में और पीछे के जो दो नियम पढ़े उनमें अंतर क्या है? कि अंतर ये है कि यहाँ इसने कहा कि विसर्ग के ठीक सामने आपको रवर्ण की स्थिति दिखाई देगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुछ परिवर्तन शब्द विशेष के कारण होते हैं और कुछ परिवर्तन वर्ण विशेष के कारण होते हैं, तो विसर्ग का लोप होने के साथ ही विसर्ग जहाँ से हट रही है उस शब्द के अंतिम वर्ण में जो स्वर है उसका दीर्घ हो जाएगा। तो जैसे ये विसर्ग यहाँ से हटेगी, इस कवि के व में जो ई स्वर है वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा कवि रचयति। ठीक ऐसे ही भानु की विसर्ग जब हटेगी तो न में जो ऊ स्वर है वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, भानु राजति। ध्यान रखना, पीछे के दो नियम में भी विसर्ग का लोप हुआ है लेकिन वहां स्वर में किसी प्रकार का दीर्घ नहीं हुआ है। ये दीर्घ सिर्फ रह की स्थिति में होता है कि विसर्ग के ठीक सामने जब रह हो तो विसर्ग का लोप होने के साथ ही विसर्ग जहाँ से हटती है उसके अंतिम वर्ण में जो स्वर हो वो स्वर दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हरि रम्य है, ठीक ऐसे ही पुनः रमयति, क्योंकि न में कौन सा स्वर है? ए, और वो ए किस में परिवर्तित हो गया? आ में। ठीक ऐसे ही शंभु राजति। तो इस प्रकार से अपना संधि प्रकरण समाप्त हुआ। आपने सबसे पहले संधि शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ी, फिर संधियों के तीन भेदों का अध्ययन किया, स्वर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर आपने स्वर संधि में सात उपभेदों का अध्ययन किया, दीर्घ संधि, अयादि संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, फिर उसके बाद में आई गुण संधि, पूर्व रूप और पररूप संधि, और उसके बाद में व्यंजन संधियों के में स्तुत्व, जसत्व, अनुनासिक, परसवर्ण आदि सिलेबस के अनुसार निर्धारित संधियों का अध्ययन किया। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों ने नियमित क्लासेज अटेंड नहीं की है वो अपने स्कूल के यूट्यूब चैनल से शेष बची हुई कक्षाओं के वीडियोस के माध्यम से स्टडी करके अपने नोट्स भली भांति तैयार करें, ताकि हमारा ऑनलाइन माध्यम से क्लासेस लेना और आपका अटेंड करना सार्थक हो सके। तो आगामी वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।